महाराज मिनास, मैं हूं आपका सेवक। डायरेक्टली बाकी लोग कहां हैं? नहीं रहे, सब मारे गए। और आपका बेटा? ऐसा नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है, समझे? मुझे माफ कीजिए महाराज, मेरे कहने का मतलब है कि और आपका राज? हम जंग हार चुके हैं, हमारा राज्य तबाह हो गया है, मेरा सब कुछ भगवान ने बर्बाद कर दिया, सब खत्म। महाराज, महाराज, सुनिए, वो मुझे मिल गया है। मैं कहता हूँ जला दो वो इतिहास और उसका राज। जला दो इतिहास को, वो श्राप खत्म हो जाएगा। महाराज विनाश, महाराज विनाश, महाराज।
कैसा दिखता है सिंदबाद? खतरनाक। मुझे ठीक से मालूम नहीं, उसी शिप में होगा। बोल नहीं सकता। सिंदबाद, किस्मत खोलने वाली चाबी शायद जादूगरनी के पास होगी, पर बाकी के 10 तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आए? हर एक चाबी की अलग अलग कहानी होगी और दाम भी बढ़ेगा। मैंने सोचा था, लेकिन अगर उसके पास चाबी ना होता। पता नहीं क्यों तुम हमेशा ही गलत सोचते हो। हम गलत थे, यहाँ पर तो सब लोग नौकर ही लगते हैं, कोई भी खास नहीं है। शायद इनका मास्टर ही खास होगा। बाबा, बाबा, मजा आ गया। वाकू, वाकू। आहा, और थोड़ी कमर लगाओ। बाबा, बाबा, वाकू। बाबा, बहुत मजा आ गया। वाकू। मैंने कहा था ना, ये बहुत आसान है। मुसीबत तो तुम हो सिंदबाद, ऐसी क्या चीज है जो हम ढूंढ रहे हैं? सब मिल जाए। वैसे ढूंढ क्या रहे हैं ये तो बताओ। कोई भी निशान जो राजा मिनोस से संबंधित हो। राजा कौन? मिनोस, ग्रीस का राजा जिसने सोने की पुरानी मूर्ति का सर चुराया था। सोने की मूर्ति? ये सोने की मूर्ति क्या है? कहीं ये वही तो नहीं है जो 7 अजूबों में से? हाँ, वही सोने की मूर्ति। सिंदबाद, तुम हमें यहाँ पुराणात्मक कथा ढूंढने ले आए हो? अरे वो सोने की मूर्ति तो हजारों साल पुरानी है। मिनास, और मिनास राजा काल्पनिक है। संभाल के, ये मामूली चाबी नहीं है। तुम कहते हो कि ये काल्पनिक है, ये एक पवित्र चाबी है, इसे जानकारी मिलेगी। तुम सचमुच जानते हो? क्या है ये सिंदबाद? ये इतिहास है राजा मिनास का। इन पन्नों से हमें उस खजाने का पता चलेगा जो दुनिया को आज तक नहीं पता। वही सोने की मूर्ति वाला खजाना? उस बड़ी चीज के बारे में जो पूरी सोने की बनी है। पूरी सोने की? ये बात अच्छी लगी मुझे। होशियार, होशियार! अरे बाप रे! लगता है फौजी है। जाओ, जा कर देखो। मैं, तुम जाओ, मैं उन्हें संभालता हूँ। किसी को तो संभालना ही होगा। मैं तुम्हें पहाड़ी के पीछे मिलता हूँ। यहाँ है वो। मैं यहाँ हूँ, हो सके तो पकड़ लो। पकड़ो, पकड़ो मुझे। वो जा रहा है। जाने न पाए। नहीं नहीं छुपा होगा। ढूंढो उसे। कहाँ गए वो? वो भाग गए। उस तरफ जाओ जल्दी। हाँ, जाता हूँ। जल्दी। माफ करना, मैं यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था। वो तुम्हें नहीं सुन सकते, वो पुतले जैसे हैं। पुतले जैसे? तुम्हारा मतलब क्या है? अलजेबार यहाँ का मास्टर है, वो एक ममी है, वो लोगों को पुतला बना देता है। ममीज, मुझे नफरत है ममीज से। रुको, प्लीज, मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं हो सकता। मैं चिल्लाऊंगी। तुम ऐसा नहीं करोगे। जाओ अंदर। नालायक कुत्ते, ये मेरा साम्राज्य है, इस सरब में तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम सबकी आंखें निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा। मेरी जाने मन कहाँ है? तारा,
माफ कीजिए, मैं चिल्लाई थी क्योंकि कोई चूहा आ गया था और मैं कपड़े बदल रही थी। ओह, मेरी जाने मन, तुम्हें शर्म छोड़नी चाहिए। मास्टर, मास्टर, आपका एक खजाना किसी ने चुराया है। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। उस चोर ने गार्ड्स को भी मारा है। ये तो सिर्फ टिब्बा है, सिर्फ टिब्बा है। पूरा नक्शा था इसमें, हजारों साल पुरानी मूर्ति का। सिर्फ उस पवित्र चाबी से ही खोला जा सकता है इसे, और इससे कोई भी नहीं खोल सकता है। आखिर अलजबर भी आज तक नहीं खोल पाया बिना चाबी के इस मोहरे को। हुजूर, आप खुद पूछिए उस चोर से। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं मम्मी इसका आदमी हूँ। मैं नहीं डरता। पकड़ो उसे। गिर जा, मैं मम्मी हूँ। गिर जा। सिपाहियों, पकड़ लो इन सबको। पकड़ो, चोर जाने न पाए। तुमने जो मेरा सामान चुराया है मुझे सौंप दो। पर ये तो तुम्हारे खिलाफ है। मजाक मत करो मेरे साथ। उस राजा मीनास का इतिहास मुझे वापस कर दो। वैसे वो डब्बा तुम्हारा हो सकता है, पर उसके अंदर जो राज छुपा हुआ है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पवित्र चाबी से कोई मतलब नहीं मेरा। ये तुम्हें कहां से मिली? ये तो मुझे रास्ते में मिल गई थी, बिल्कुल इसकी तरह, एक जादुई घड़ी। वो कहां गायब हो गए? जाओ ढूंढो। बढ़िया नाचती हो। सिंबाद कहां है? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। हे भगवान, देर होने का मतलब है वो मुसीबत में फंसा होगा। वो क्या कोई खजाना है जिसमें सिक्के, सोने चांदी और जेवरात होंगे? सिंबाद, चलो। ये तो बड़ा डरपोक निकला। हमें वापस शिप के पास जाना है। सुनो, तुमने जादू की घड़ी का इस्तेमाल किया, उसमें सिर्फ 3 बटन बचे थे और अब सिर्फ 2 ही बचे। ये औरत कौन है? बताता हूँ, पर पहले निकलो यहाँ से। हमें रात होने से पहले बहुत दूर निकल जाना है। रुको, बताता हूँ। मेरा इंतजार करो। समुंदर साफ है, हम जल्दी निकलेंगे तो रात तक डैरिश पहुंच जाएंगे। डैरिश में तुम्हारा घर है क्या? वही मेरा शिप है, समुंदर मेरा घर है। उसे ये अपनी बीवी भी समझता है। इन सबको एक समुंदर, दूसरा खोज करना और तीसरा मतलब से काम करना। यह हमेशा इनके पीछे पड़ा रहता है। इसे किसी की भी परवाह नहीं, चाहे वो तुम हो या मैं। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुमने मांगी तो मैंने मदद की, अब मुझे जो मिलना है तुम्हें देना ही होगा। जब हमें वो सोने की मूर्ति मिल जाएगी तो मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, भरोसा रखो। भरोसा? इसे तुम संभालो, मैं घोड़ा लेकर जा रही हूँ। चलो। ये सब मेरे लिए बेकार है। क्या तुम्हें यकीन है नेस्टर हमारी मदद कर पाएगा? ये पुराने ग्रीस का इतिहास है और नेटोर ही पुराना ग्रीस है। ये पुराना तो है लेकिन प्राचीन नहीं है। चुप रहो यार। वैसे लूना का क्या होगा? डेरिस जैसी जगह पे मुसीबत नहीं आएगी, वो जगह सलामत होगी। सिंधवाद, तुमने कुछ सुना?
घोड़ों का ख्याल रखना। तुम्हें कोई मदद चाहिए? हम इसे ढूंढ रहे हैं। जबरदस्त लग रहा है वैसे ये तो। वैसे मैंने नहीं देखा इसे कहीं। तुमने इसे मार दिया था ना? अजीबी। हाँ, लगता है बच गया। अगर ये दिखाई देगा तो हमें खबर कर देना। देरेश द्वार के पास हमारे मास्टर तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। वैसे कौन है ये? मौत का दूसरा नाम। रुको। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? दोस्त? ओ, ये क्या? ये दोनों मेरे हैं। हमारा बॉस ज्यादा लेटर्स देता है तो मुझे दो घोड़ों से काम लेना पड़ता है। तुम जा सकते हो। आओ चले। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। पैसे हाथ में लेकर अलजिबर के आदमी डेरिस के चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। रात तक पूरा छान मारेंगे ऐसा लगता है। तुम फौरन यहाँ से डेरिस जाओ और बहुत से कौ आदमियों को लेकर प्रोफेसर के ऊपर आ जाए। मैं किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ठीक है। मेरी बात सुनो, अलजिबर तो मेरा भी पीछा कर रहा है, तुम भूल गए क्या? वो मेरे पीछे नहीं, इसके पीछे पड़ा हुआ है। वैसे उसका इरादा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें तो एहसान मंद होना चाहिए। अब मुझे भी इसमें हिस्सा मिलेगा, तुम चाहो या ना चाहो। बात तो इसकी भी सही है। चलो अब चलते हैं। वही तुम्हारा शिप है क्या? सुंदर है ना वो? लगता है बड़ा शिकार मिला है। नहीं, ये तो छोटा सा है। क्या ओ दूसरी नाव की यात्रा में जा रहे हो? हाँ भाई। हमें लड़ना होगा क्या? हो सकता है। और औरतें? वो नहीं आएंगी। और सोना? वो तो पहाड़ों जितना मिलेगा। मैं भी चलूंगा। तुम जरूर आओगे, हम वापस कैंप में मिलते हैं दावत खाने के लिए। कैसी दावत? सुनो, अपना खाना खुद लेके आना।
अब बताओ मेरी जानेमन, इस पेट का क्या करें? घुसेड़ दूं चाकू? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम चाहो तो ये घोड़ा ले सकते। कौन है वो? बताओ कौन है वो? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। नाचने के लिए पैसे दिए क्या? नहीं, मैं हर जगह नाचती हूँ और लोग मुझे पैसे देते हैं। झूठ! कसम से, प्लीज मुझे मत मारो। हम लोग अभी भी सुरक्षित। उठो सब लोग, तुम सब नालायक बनते जा रहे हो। तुम्हारा कैप्टन पहुंचने वाला है, अब जल्दी उठो और तैयारी करो। वो देखो, वो आ गया। ओ सिंदबाद, बहुत ही सुंदर है ये तो, लेकिन क्या ये खाना बना पाएगी? बॉस, कैसे हो तुम सब लोग? हाँ। बिल्कुल ठीक है कैप्टन, वैसे ये सब भी कुछ करने के लिए तैयार है। तुम बताओ आगे क्या करें? ये सब परेशान है कि इनका काम खत्म होने के बाद आगे ये क्या करेंगे? तो शायद ये इनके होश उड़ा देगा। ये इतिहास है राजा मिनास का। सच बोले हो सिंदबाद, तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ये नक्शा सोने की मूर्ति तक पहुंचने का है, और आगे इसकी लकीरों को पढ़ना तुम्हारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसके लिए ज्यादा समय नहीं है, हमें आज ही निकलना होगा। पर सिंदबाद, हमें मालूम नहीं कि कितनी दूर जाना है और कैसे। चुप रहो, हम तैयार हैं लेकिन। चिंता मत करो, तुम सब चिंता मत करो, हमें रास्ते में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इस बार किसे फंसाने जा रहे हो? उसका नाम बताओ मुझे। नहीं बताऊंगी, पहाड़ में जाओ। क्या? तुम क्या जानती हो मौत के बारे में? उसका पता चाहिए मुझे। हम हमेशा इससे ना मुगलवा कर रहना। सिंदबाद। आदमी तैयार करो, मुझे उस सिंदबाद का सर चाहिए और सोने की मूर्ति भी। जाओ। चलो। मुझे कुछ दिखा। वो देखो, वो द्वीप है मिनोस का। बोस, हम वहां बोट से जाएंगे। यकीन नहीं होता कि हमने 8 हफ्ते इसके लिए समुद्र में गुजारे। मिनोस ने किसी महल की तलाश नहीं की, वो सिर्फ छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वो पहले से ही बहुत ताकतवर और हिम्मत वाला था, और राजा था मिनोस का, राज करता था उस द्वीप का। लेकिन उसके लिए ये काफी नहीं था, वो और ज्यादा हासिल करना चाहता था। उसकी नजर एजियन समुद्र पर पड़ी और उसने रोड्स राज्य का द्वीप अपनाना चाहा। चलते हैं। इस तरफ चलिए। वो बुरी तरह हार गया था एक्संथस से। मिनोस ने सब कुछ खो दिया, और जब वो लोग जीत की खुशियां मना रहे थे तो मिनोस बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस सर को चुरा कर यहां ले आया।
अब नेटोर के इतिहास की बात छोड़िए, हम यहाँ खजाने की तलाश में आए हैं। हाँ मालिक। मेरे ख्याल से आपने कहा था यह स्थान रुकने योग्य नहीं है। हमारे लिए भी खाना तैयार कीजिए, भूख लगी है। योग्य नहीं था जब मिनोस और उसके साथी मिनोनस पहले यहाँ आए थे तब, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। ये सब तो पागल लग रहे हैं ना? मेरा नाम टाइमोस है, मैं टेलोस का बेटा हूँ, शिकारी हैं हम, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। वैसे मेरा नाम सिंदबाद है और मैं अपने दोस्तों के लिए बात कर रहा हूँ। व्यापार का समय खत्म हो गया, अब हम बाहरी लोगों का स्वागत नहीं कर सकते। सुनो टीमोस, टेलोस के बेटे, हम अपना स्वागत खुद कर लेंगे। कैप्टन, मेरी बात सुनो। देखिए, मैं लाइसिया की राजकुमारी तारा हूँ। मेरी सगाई टेसमान के सुल्तान से हुई थी। सुल्तान के बारे में तो सुना ही होगा। मेरी नाव हवा के झोंके से किनारे पर पहुंची और उसके बाद मम्मी अलजिबर ने मुझे कैदी बना लिया था। वहां से बचते बचते इन भले लोगों का सहारा मिला मुझे। ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं वापस मुझे सुल्तान तक पहुंचाने के लिए। हम पर आपका एहसान होगा अगर आप हमें कुछ दिन रहने की इजाजत दे दें। मैं वादा करती हूँ आपकी इस मदद के लिए मैं आपको इनाम दूंगी। आप लोग दावत मंजिल में रुक सकते हो। क्या सुल्तान टेमजमान का? व्यापार करने का समय खत्म हो गया है। ये सुल्तान की राजकुमारी है और आपके आदमी टिमोस ने इनका स्वागत किया है। आइए। जगह कैसी है और मिनोन्स के लोग? हाँ, यह हॉल तो रुकने लायक है लेकिन लोगों का पता नहीं। मुझे लगता है जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए बेहतर होगा। नीली आंखों वाली, ये बताओ कि तुम जैसे खूबसूरत लड़कियों के अलावा इस द्वीप पे और क्या है? इनके कहने का मतलब यह है कि मंदिर, पुराने किले, मूर्ति आदि। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नजारा दिखेगा ऊपर सोने की मूर्ति से। सोने की मूर्ति? घने बादलों का पहाड़ जहाँ से गांव दिखता है। ये तो अजीब नाम है पहाड़ का। अजीब है तो हमें भी वहीं जाना। हाँ चलो चलो। सब लोग चारों तरफ ध्यान से ढूंढो ताकि कुछ पुराणात्मक चीज मिल जाए। अच्छी तरह से ढूंढो, कैप्टन भी यही जानना चाहता है। वैसे हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? कुछ भी जो हमारे काम आए मूर्ति ढूंढने में। सुनो कैप्टन, यहाँ कुछ है। यहाँ ये गुफा है। कितनी बदबू आ रही है, यहाँ कोई सुअर पालने वाला रहता होगा। ये तो सिर्फ मेरा ख्याल है। सब आसपास ही रहो। क्यों, तुम्हें डर लगता है क्या? सब लोग मेरे पीछे आओ। राजा मिनोस आपके सामने झुके हुए हैं, स्वीकार कीजिए। मेरे ख्याल से ये मंदिर हीलियस का होगा। लगता है हमारे आने से पहले यहाँ कोई आया है। संभालने वाला पुजारी शायद, या हो सकता है कोई चोर हो। शायद किसी और के पास भी ऐसा मैप होगा। ये जानने का भी रास्ता है।
अब कहां जाए? देख के बताता हूँ। हे भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ पर। हम ज्वालामुखी के अंदर हैं। हम रुक क्यों गए? बस अब हमें आगे बढ़ना होगा। सिनबाद, रुक जा। यहाँ पर कमरे तो है ही नहीं, सिर्फ बरामदा ही है। बरामदा भी ऐसा जहाँ कोई रास्ता नहीं। ये बनाया हुआ है भूल भुलैया की तरह। भूल भुलैया? बिल्कुल, राजा मेनाउस ने इसे इसलिए बनवाया होगा ताकि हम जैसा कोई सोने की मूर्ति तक न पहुँच सके। मुझे लगता है हम घूम घूम कर यहीं पर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है हम यहाँ अभी पहुँचे हैं। सिंधवाद, मैंने पकड़ा हुआ है बॉस। भगवान ने बचा लिया मुझे। तुझे भगवान ने नहीं बचाया। सब होशियार रहो दोस्तों। वो क्या है? चौकन्ने रहो। तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाने दूंगा मेरे दोस्त। सिंबाद, तुम जिंदा? जवाब देने का समय नहीं है। दीवार के पीछे जाओ। अब आओ। आ जाओ। अरे हमारे लोग तो यहां है। सिंधबाद,
बाप रे, वो जानवर खत्म हो गया। उस जानवर के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है, कितना खतरनाक था वो। ये सिंधबाद की जीत के लिए, जीत के लिए, जीत के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो आज हमसे जुदा हो गए, उनकी पवित्र आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। एक और पियो। आओ 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 हमारे साथ ऐश करो। बढ़िया वाइन है, बढ़िया वाइन है, बहुत बढ़िया वाइन है हमारे हीरोज के लिए, हीरोज के लिए, हीरोज के लिए। क्या तुम लोगों को दुख नहीं है आज सुबह की घटना सोच के? क्यों नहीं, पर जो हो गया सो हो गया। वो भूल भुलैया खतरनाक जगह थी, कल सुबह जाएंगे और वो सोने की मूर्ति ले आएंगे। लेकिन अभी हमें वो मिली नहीं। हम सब जानते हैं कि वो वहीं पर है। हाँ वो तो है, लेकिन उसके रखवाले का क्या होगा? वो मर चुका है। सोचने की बात है, वो क्या था और कहां से आया होगा? मुझे क्या पता। एक और जान। यहां पर बताया गया है कि ये लोग सूर्य की किरणों को भगवान मानते हैं। मिनोस ने उस मूर्ति को चुराया तो उससे भगवान का श्राप मिला। जानते हो, जैसे ही हमें सोने की मूर्ति मिल जाएगी मैं तो राजा की तरह जीऊंगा, राजा की तरह। कौन चाहेगा तेरा राज्य, बोलो। मैंने कहा राजा की तरह, राजा बन के नहीं, मैं नौकर रखूंगा, सिपाही नहीं, और बहुत कुछ। तेरी बेकार बातों से हम पक गए हैं। मुझे उससे क्या। हम बाहरी लोगों से व्यापार नहीं करते। मैं एकदम सच कह रहा हूँ, नहीं मैं एक नहीं 10 नौकर रखूंगा अपने महल में काम करने के लिए। पता है, एक खुजली करने के लिए, एक पैर दबाने के लिए, एक खिड़की खोलने के लिए और एक पंखा हिलाने के लिए। रुको रुको, पंखा हिलाने वाले सब तो राजमहल में होता ही है ना। पता है करीम, हमें उम्मीद से पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए। जैसा हम चाहते हैं हमेशा जिंदगी में वैसा नहीं होता। तुम्हारे दोस्तों के लिए मुझे अफसोस है, शायद उसकी वजह मैं भी हूं। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कल सुबह मूर्ति मिलते ही तुम अपना हिस्सा लेकर दहेज के रूप में टमसमैन के सुल्तान को दे सकती हो। तुम्हारा मतलब कैदी बन के हीरो के महल में रहूं, जिससे प्यार नहीं करती उससे शादी करके? मुझे वो सब नहीं चाहिए। अपने बंधनों से बाहर आ चुकी हूं मैं, यही मेरी जिंदगी है। राजकुमारी नहीं बनोगी तो तुम कैसे जी पाओगी? सच कहूं तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मम्मी के पास कैदी बनके रही, फिर तुमने मुझे बचाया, इतने महीने तुम लोगों के साथ मिलजुल कर रही, और मैं तुम लोगों के साथ वाकई बहुत खुश हूं। मैं सच कह रही हूं, मुझे अच्छा लगा। मैं शायद नाव खरीदूंगी। कोई भी यहां हिलने की कोशिश करे तो मार डालो। कैसे हो मेरे यार, चोर या सिंदबाद कहो? नाम सिंदबाद है ना, यही नाम बताया था मुझे तुम्हारी उस सुंदर नाचने वाली ने
मरने से कुछ देर पहले। लूना, कसम से तुम्हें मार डालूंगा। बेकार की कसमें मत खाओ सिंधवाद। मुझे वो गाड़ी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। दे दूंगा, अब मैं तुमसे छुपना नहीं चाहता। खुशी हुई और अब मुझे राजा मिनोस का इतिहास भी दे दो। उनके खून पैथागोरस सिद्धांत से वह बच्चा जानवर बनकर पैदा हुआ। बदला लूंगा लूना की मौत का। ये नाटकबाजी छोड़ो, वो इतिहास कहां है ये बताओ। खो गया मुझसे। सबको मार डालो और ढूंढो पूरा का पूरा। मार डालो उसे। खत्म कर दो उसे। ये सब कौन है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एहसास हो रहा है। भागो, भागो, भागो! चलो यहाँ से। सिंबाद, यहाँ से चलो। ये मेरे हाथों मरेगा। मैंने सोचा था कि तू मर गया। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अब ये ले। सिंधबाद, मास्टर बचाओ मुझे। रुको रुको, सिंधबाद इसे होश आ गया है। क्या हुआ था? जादू किया था अलजेबर। वो लड़की कहाँ है? सिंधबाद वो सिंधबाद वो क्या हुआ? रुक जाओ। क्या हुआ सर? सिंधबाद, सिंधबाद तारा। रुक जाओ सिंधबाद, मत रोको मुझे। तुमने खुद देखा था यहाँ के लोग जानवर थे। जानवर से भी भयानक। इतिहास में लिखा है कि एक पुजारन थी जो राजमहल के लोगों को इस जानवर के लिए त्याग देती थी। तुमको समझे नहीं सिंधबाद? राजकुमारी, जानवर, भूल भुलैया, इन सब का कोई मतलब है? मैंने उस जानवर को मार डाला था। ये तुम सोच रहे हो लेकिन ये गलत है। क्या? याद है तुम्हें मैंने बताया था कि मिनोस की रानी ने मरा हुआ बच्चा जन्म दिया था। उसका पिता मिनोस नहीं था बल्कि सूर्य भगवान। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या? मेरी बात मानो, ये जानवर भगवान की देन है। तुमने उसे नहीं मारा है बल्कि तुमने उसे क्रोधित किया है। अब मैं सिर्फ तारा को ढूंढ रहा हूं। अलजेबर उठा ले गया उसे।
मेरी बात मानो दोस्त, उसे भूल जाओ। हमें यहाँ से जल्द नाव तक पहुँचना है उन जानवरों के जागने से पहले। ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। सिंधवा प्लीज, हम सिर्फ चार लोग हैं, वो द्वीप में भरे पड़े हैं। नेस्टोर, अब वो नाव तुम्हारी है। रुक जाओ नीली आंखों वाली। मत मारो मुझे, मैं अरियाना हूँ, मेरा नाम अरियाना है। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो? हाँ, मतलब नहीं, मेरा मतलब, रुको रुको, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वो जानवर रूप बदल रहे थे, वो सब कौन थे? बताओ मुझे। मैं बता चुकी हूँ ना, मैं नहीं जानती। पहले तो वो इंसान ही थे, लेकिन जब भूलभुलैया से जानवर ने आवाज दी। मास्टर प्लीज मेरी मदद करो। चुप करो। भूल भुलैया? कौन सी भूल भुलैया? उस ज्वालामुखी के अंदर, वो बहुत बड़ा है। नेस्टर ने बताया था कि वो किसी पुरानी राजा ने बनाया है। तो राजा मिनोस ने उसी जगह पर उस सोने की मूर्ति को छुपाया था। और अब उठो तुम दोनों, वो पश्चिम की तरफ है। मास्टर प्लीज, अब इस लड़की की जरूरत नहीं है हमें। विनती करता हूँ, मुझे खाने दीजिए इसे। नहीं नहीं, मुझे अभी इसकी जरूरत है। कभी ना कभी वो सिंदबाद इसे ढूंढते हुए यहाँ आएगा, और जब आएगा तो मुझे देख नहीं पाएगा। मास्टर, मुझे कुछ चाहिए, मैं मर रहा हूँ। अब क्या करें? लगता है हमें तैरना पड़ेगा। सुन रहे हो? उधर से कुछ आवाजें आ रही है। नेस्टर, नेस्टर, लगता है उन्होंने हमें देख लिया। वो रहे, चलो समुद्र की तरफ चलते हैं। नहीं, जंगल की तरफ चलते हैं। चलो चलते रहो। चलो किस तरफ जाएं? वो तो हर तरफ है। चलो चलो, चलो। ऊपर से हिलियस को देखते हुए, वो तुम्हें अपना रथ बनाकर पीछे की ओर धकेल रहा है। देखो सूर्य भगवान, बेचारा। Oh!
आओ, इस तरफ आओ, मैं बताता हूँ। राजा मिनोस ने सही कहा था, हमें गद्दी को जबरदस्ती अपनाना होगा, किसी के आगे झुककर या भीख मांग कर नहीं। ओहो, भगवान मिनोटोर, ये तो एक अनाथ जानवर है और कुछ नहीं। हमारे पितामह, तुम्हारा राज इस दुनिया में अब खत्म हो जाएगा। भगवान ओलंपस सिर्फ धूल बन के रह जाएगा लोगों के ख्यालों में। उन्हें अब कोई नया भगवान चाहिए। पूरी दुनिया झुकेगी इस ममी के आगे। पूरी दुनिया झुकेगी इस ममी के आगे। मैं ममी हूँ। रुक क्यों गए? द्वार नजदीक है। चलो। छोड़ो। मुझे कुछ मत दिलाओ। उठो। झुको। झुको। पहले तुम झुको। अरे नालायक, उठो, वो जादू की घड़ी ले गई है। इसे मैंने बनाया है, मम्मी ने। शरीर और आत्मा इंसान का लेकर इसमें अलगुल मांस खाने वाला शैतान को घुसाया है मैंने। तुम जितनी बार चाहो उसे मारो सिंदबाद, लेकिन वो नहीं मरेगा बल्कि तुम्हें मार डालेगा। जल्दी करो, खोलो मुझे। नहीं, तेरी बलि चढ़ाएंगे। तारा, लड़की को भूल जाओ, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। अच्छा बताओ सिंदबाद, मरने से पहले तुम्हें कैसा लग रहा है? ये तो तुम बताओ। झुको। सर, सर। Okay.
अंत देखूंगा। सिनबाद, मेरा अंत नहीं हो सकता। मेरा अंत नहीं हो सकता। तारा! चढ़ाएंगे। की जरूरत नहीं है, वो हमें यहां तक भगाते हुए ले आए हैं त्याग देने के लिए। शुक्रिया मास्टर, मुझे मुझे पता था तुम आओगे। मास्टर, इतनी शक्ति मास्टर। वो चाकू, चाकू ले आओ, वो चाकू, चाकू ले आओ। महान मिनेचर भगवान पर्वत के
तुम्हारा स्वागत है। सामने आओ पितामह, सामने आओ। मैं आई हूँ आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। सिंबाद, सिंबाद, सामने आओ, सामने आओ। तुम ठीक तो हो ना? और तुम? वो आ गया है, महान मिनेचोर, भगवान पर्वत के वो आ गया है, आ गया है वो। आओ पास आओ मेरे पिता, मैं पूछती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए बलि लेकर आई हूँ। ये भी उनमें से एक है, उसके सींग देखो। ये भी उस हालियस के बेटे हेवान के भक्तन है। सामने आओ। इस सब ने मिलकर उसे मैंने तो बनाया है। सामने आओ, सामने आओ पितामह, वो आ गया है। सामने आओ, वो आ गया है पितामह, वो आ गया है। भगवान पर्वत के महान मिनचो, जैसा आप चाहते थे उसी हिसाब से बलि लेकर आई हूँ मैं, बलि चढ़ाने आई हूँ। लीजिए, राजघराने का खून है, मैं तुझे देती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है। यह खून तुम्हारे पूर्वजों का है मेरे बच्चे। पितामह, मेरा बच्चा, अब तुम नहीं बताओगे। पितामह, पितामह, ये सही है मेरे बच्चे, ये सही है। तुम मुझे जानते हो, मैं मम्मी हूं और तुम्हारा भगवान हूं, और तुम्हारा भगवान होने के नाते तुम सब मेरे भक्त हो। सुनो कैप्टन, कैप्टन सिंधवा, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? उधर चलो। मैंने सोचा तुम लोग शिप के पास चले गए। इन्होंने कहा सोना यही कहीं पर है। नेस्टर ने सही कहा, हम भगवान को नहीं मार सकते। पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये तो तुम्हारी अपनी है। पीछे जाओ, कौन पूजा करेगा तुम्हारी? अगर तुम्हारी ये पूजा रन मारी गई, तुम पागल हो सिंबाद, पितामह। हमें संभालना चाहिए, जल्दी करो सब, इस जादू की घड़ी के पीछे आओ। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, ध्यान से रहो।
वो मिनोटोर यही आसपास कहीं होगा। क्या हम वापस जाएंगे सोने की मूर्ति लेने? तुम उस मूर्ति को यहाँ से नहीं ले जा सकते। उस जादू की घड़ी से कुछ भी कहीं भी ले जा सकते हैं। हमें सिर्फ उस मिनोटोर के वापस जाने तक रुकना पड़ेगा। वैसे अब हमारे पास सिर्फ एक बटन बचा है और वो एक ही काफी है। सब लोग साथ में रहो। तुम्हारा मंदिर इस तरफ है मास्टर। हम खुश हुए, हमें वहां ले चलो। रास्ता सही नहीं है, हम यहां से कभी नहीं आए, हमें वापस जाना होगा। अब हम नहीं रुक सकते नेस्टोर, चलते रहो। संभाल के, संभाल के, सोना है संभाल के। नहीं, तुम लोग कब मेरे साथ? भरोसा रखो मेरे बच्चों। चलो मेरे साथ, चलो। भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैंने सुना है कि योरे के जादूगर राजा अपने हजारों लोगों को बलि देते थे काला जादू करते वक्त। मेरे ख्याल से वो गलत थे। अब ऐसा कुछ हासिल करने के लिए मैं पूरे शहर की बलि चढ़ाऊंगा और बार बार तब तक खून से लथपथ कर दूंगा जब तक मुझे उस असुरी ज्ञान पाताल की जानकारी नहीं मिल जाती। ये मम्मी का वादा है। ये सही रास्ता लगता है। जल्दी करो सब लोग, यही सही रास्ता है, बिल्कुल सही है ये। जल्दी नेस्टर, नेस्टर, वो आ रहा है, जल्दी नेस्टर। तुम मरोगे नहीं, तुम हमारे साथ शिप में वापस जरूर जाओगे। सिंदबाद, तुम्हें रोकना होगा मिनोटर को। तुमने सही कहा, लड़ना ही पड़ेगा। सिंदबाद नहीं, प्लीज रुक जाओ। मैं अकुम को ले आता हूं, तुम रास्ता दिखाओ। नेस्टर,
कुछ कहना चाहते हो? सिर्फ उसके सिंह से ही हम उसे मार सकते हैं तारा। वो सिंह? आपका मतलब वो सिंह? निकालो इसे। इसे निकालने से ये मर जाएगा। मर जाऊंगा? देखो मुझे, मैं तो मर चुका हूं। अकुम, नहीं। निकालो, निकालो। मैं एक योद्धा की तरह मरना चाहता हूं। तुम सिर के पास जाओ। तुम तीनों लड़की का पीछा करो, जाओ। जल्दी जाओ। खुद को बहुत ताकतवर समझते हो? तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मजा आएगा। सिंबाद, ये सींग पकड़ो। ये किस सींग? हम उसके सींग से ही उसे मार सकते हैं। आगे क्या है? बदला। ये दादी हमारी जरूरत है पिता। क्या हुआ बोलो? मैं हूं तुम्हारा पितामह। मम्मी, मैं आज्ञा देता हूं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कुछ करो, अपने पितामह कुछ की करो। बात मानो, मैं अपने पितामह की बात, मेरी बात मानो। रुक जाओ, रुक जाओ। पूरे मेनोम्स इसी गुफा में हैं। बाद में बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमें किसी भी तरह मूर्ति को ले जाना होगा। बस भी करो। अपने दोस्तों के लिए मैं ऐसी 10 मूर्तियां छोड़ सकता हूँ। तो अब क्या तुम सब कुछ छोड़ दोगे? बुजदिल की तरह वापस जाओगे? आप दोनों इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि खजाना सिर्फ सोना ही नहीं होता? भगवान पर्वत के, मेरी आवाज सुनो। मैं हूँ यहाँ का पितामह, भगवान पर्वत का। मैं हूँ माइनोटॉर। हमें क्षमा कीजिए पितामह। धोखेबाज कहीं के, तुम लोग इस पवित्र जगह में रहने के लायक नहीं हो। नहीं पितामह, हम उस खून से धोखा खा रहे। बस करो। अपने भगवान के सामने खड़े होकर क्षमा की याचना कर रहे हो? वो महान मूर्ति जो मेरी पैदाइश का कारण है, हजारों सालों से संभाल कर रखी है इस पवित्र मंदिर में। वो लोग उसे ले जा रहे हैं अपने गंदे हाथों से, और ये सब तुम नालायकों की वजह से हो रहा है। क्षमा कीजिए पितामह। क्षमा चाहते हो? कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी क्षमा मांगने की? पाप से नहीं होता। मैं हूँ पितामह, भगवान हूँ पर्वत का। मैं हूँ मैनिटोर, और मैं सिर्फ जानता हूँ तो वो है बदला, बदला और बदला। हे भगवान, क्या करें अब? मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? ये ट्रॉफी जैसी चीज बहुत कीमती है। मेरा मतलब, इसे हम यहाँ लटकाएं उनके लिए? उसके बारे में भूल जाना ही बेहतर है।
झुक जा, झुक जा, झुक जा। मैं नहीं डरता बुड्ढे मम्मी। ओ अच्छा, तुम हार गए सिंदबाद। तुम्हारे दोस्त सब मर चुके हैं और वो तेरी औरत, वो कभी तेरी अपनी नहीं बनी थी। क्यों? मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मैं तो जीतूंगा, समझे बुड्ढे मम्मी? तेरी जुबान काट दूंगा। सिर्फ आप बचाओ अपने आप को। इस बार तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। देखता हूँ तू मेरा क्या करेगा। तुम कब तक लड़ोगे मुझसे? मेरी मौत तो कब की हो चुकी है। अब मेरी बारी है, सब खत्म कर दूंगा। अब सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं बदल सकता। मैं मम्मी अभी जिंदा हूँ। चलो तुम। मैंने मम्मी का खात्मा कर दिया। मैं खबर लाई हूँ कि वो पर्वत से आएगा। वो आएगा, वो आएगा। पितामह आ रहा है। मिनोटोर, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्रोध, भड़कता क्रोध, भड़कता क्रोध। सिंबा चलो, अल्लाह। मैं देखता हूँ उसे। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम नहीं भागेंगे। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ गया है। बचाओ सिंदबाद, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने ही तुम्हारी आंखें निकाली थी। आओ मुझसे मुकाबला करो। मार सकते हो तो मुझे मार कर दिखाओ जानवर। आओ मारो मुझे, मारो, आओ। नहीं सिंदबाद, और ये आखिरी कोशिश। ये मेरे दोस्त की मौत का बदला। मेरा बदला पूरा हो गया। सिंबाद, ओ पितामह, छोड़ो उसे, वो पहले ही मर चुकी है। हम लोग जीत गए। देखो सोना, सोना, इतना सारा सोना, पर्वत ने हमें सोना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे सिंदबाद? वापस शिप पर सोने के साथ जाएंगे या फिर कोई खजाना ढूंढने निकलेंगे? दुनिया का हर खजाना सिर्फ सोने का नहीं होता। हम अमीर बन गए, हम अमीर बन गए सिंदबाद, हम अमीर बन गए सिंदबाद।